हे गाइस व्हाट्स अप। सो ग्लोइंग स्किन कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे में एक चमक हो, पर कुछ सांवले लड़के ग्लोइंग स्किन नहीं चाहते हैं बल्कि गोरा होना चाहते हैं, जिसके चक्कर में वो अपने फेस में उल्टा सीधा क्रीम लगाते हैं, उल्टा सीधा फेस पैक लगाते हैं, जिससे उनके फेस में जो थोड़ा बहुत भी ग्लो रहता है वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें स्किन ग्लोइंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्किन को फेयर करने के ऊपर, क्योंकि अगर आपका फेस गोरा है पर अगर आपके फेस में ग्लो नहीं है तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले। उसी जगह अगर आप थोड़े काले या सांवले हो पर अगर आपके फेस में ग्लो है, एक चमक है, एक नूर है, तो आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि ग्लोइंग स्किन हमेशा अट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए आज मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं खुद काला हूं और मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई काले या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी काले या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो पहली चीज जो आपको करनी है अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए वो है कि आपको कसम खाना है कि आप अपने फेस को बार बार अपने हाथ से टच नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने से ग्लोइंग स्किन तो छोड़ो उल्टा आपके फेस में पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ना जाने हमारे हाथ कहां कहां टच होते हैं। कभी हम किसी से हाथ मिलाते हैं, कभी हम मोबाइल चलाते हैं, कभी हम टीवी के रिमोट हाथ में लिए हुए रहते हैं, कभी ट्रेन में रहते हैं तो कभी बस में, जिससे फिर हमारे हाथों में बैक्टीरिया आ जाती है। और वही बैक्टीरिया वाले हाथ अगर आप बार बार अपने फेस पे लगाओगे तो आपके हाथों की बैक्टीरिया आपके फेस में भी चली जाएगी, और ऐसा बार बार करने से फिर वही बैक्टीरिया आपको आपके फेस में पिंपल्स के रूप में देखने मिलेगी। इसीलिए बार बार अपने फेस को हाथ से टच करना बंद कर दो। अब जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है आपको पता लगाना है कि आपका फेस किस टाइप का है, मतलब आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है, क्योंकि हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रहता है। और ये चीज पता करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मान लो अगर आपका फेस ऑयली है और आपको ये पता नहीं है और आप गलती से ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट लगा रहे हो तो ये आपके फेस को ग्लोइंग बनाने के बजाय और खराब कर देगा। इसीलिए अपने स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका स्किन किस टाइप का है, और ये पता करना बहुत ही इजी है। सिंपली अपने फेस को नॉर्मल पानी से धोना, फिर अपने फेस को पोंछने के बाद आधे घंटे तक अपने फेस पर कुछ भी मत लगाना, कोई क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आधे घंटे बाद अपने फेस को हाथ लगा के देखना, अगर आपका फेस पूरा ऑयली ऑयली लग रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आपका फेस ड्राई रूखा सूखा खिचावट जैसा लग रहा है तो आपकी स्किन ड्राई है। सो एक बार आपने पता कर लिया कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई, तो अब आपको तीसरी चीज जो करनी है वो है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है, दिन में दो बार, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले, उससे ज्यादा नहीं। और बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि वो साबुन से अपने फेस को वॉश करते हैं, जिस साबुन से वो नहाते हैं उसी साबुन से वो अपने फेस को भी धोते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो अभी के अभी ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि साबुन बॉडी को वॉश करने के लिए बनी है, फेस को वॉश करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी के स्किन के मुकाबले हमारा फेस का स्किन बहुत ही पतला होता है। इसलिए साबुन से फेस को वॉश करने से ये हमारे फेस को साफ करने के साथ साथ हमारे फेस के ग्लो को भी खत्म कर देता है, जिससे फिर फेस में पिंपल्स ब्लैक स्पॉट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसीलिए फेस को साबुन से नहीं बल्कि फेस वॉश से धोना चाहिए, क्योंकि फेस वॉश हमारे फेस पे जमी गंदगी को साफ भी करता है और हमारे फेस के नेचुरल ग्लो को खत्म भी नहीं करता है। पर ध्यान रखना फेस वॉश अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना, क्योंकि फेस वॉश या फेस के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए। अब फेस को वॉश करने के बाद चौथी चीज जो आपको करनी है वो है अपने फेस पे दिन में दो बार एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फेस वॉश करने के बाद हमारे फेस का जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे हमारा फेस थोड़ा ड्राई लगने लगता है। पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से हमारे फेस का मॉइस्चर फिर से वापस आ जाता है, जिससे फेस क्लियर और ग्लोइंग रहती है। और ध्यान रखना अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना। और आप घर में रहोगे तो ठीक है, पर अगर आप धूप में घर के बाहर जाओगे तो मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन जरूर लगा के धूप में निकलना, वरना सन की हार्मफुल यूवी रेज आपके फेस को डैमेज कर देगी और डैमेज स्किन कभी भी ग्लोइंग नहीं लगती। पांचवी चीज है स्क्रबिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस सालों सालों तक ग्लो करे तो हफ्ते में दो बार आपको अपने फेस को स्क्रब करना बहुत ही जरूरी है। दो बार नहीं कर सकते हो तो मिनिमम हफ्ते में एक बार तो करना ही करना है, क्योंकि फेस को स्क्रब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोइंग स्किन पाने के लिए, क्योंकि धूल पॉल्यूशन गंदगी की वजह से 3-4 दिन बाद हमारे फेस के ऊपर एक डेड स्किन बन जाती है, जिससे हमारा फेस बेजान लगने लगता है, फेस पे कोई ग्लो नहीं रहता है। इसीलिए जब 3-4 दिन बाद हम स्क्रब करते हैं तो उससे हमारे फेस के ऊपर की डेड स्किन हट जाती है, जिससे हमारा फेस फिर से फ्रेश क्लीन और ग्लोइंग लगने लगता है।
लगता है क्योंकि स्क्रबिंग क्रीम में छोटे छोटे दाने होते हैं जो हमारे फेस के ऊपर के डेड स्किन को हटा के अंदर के ग्लोइंग स्किन को बाहर लाते हैं। इसीलिए हफ्ते में 2 बार फेस को स्क्रब करना बहुत ही जरूरी है जिससे आपके फेस का ग्लो सालों सालों तक बरकरार रहे। पर हाँ, अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा पिंपल्स है तब स्क्रब मत करना वरना पिंपल्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जब पिंपल्स थोड़ा कम हो जाए तब फेस को स्क्रब करना। अब जो छठी चीज आपको करनी है वो है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो और ज्यादा टेंशन मत लिया करो और 7 से 8 घंटे की नींद लिया करो, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से ज्यादा टेंशन लेने से हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है जिससे फिर फेस में पिंपल्स और डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है और सही से नींद नहीं लेने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगती है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद लिया करो और हंसते खेलते रहो। सो अब जो 7वीं चीज मैं आपको बताऊंगा उसे अगर आप सही से करोगे तो बिना कुछ करे ही आपका स्किन 50% तक ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, तो वो है आपका डाइट। सिंपल सी बात है, जैसा आप खाओगे वैसा ही आप दिखोगे। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा दिखोगे, अगर आप खराब खाना खाओगे तो खराब दिखोगे। इसीलिए आप अच्छा खाना खाया करो और अच्छे खाने से मेरा मतलब है कि जितना हो सके घर का खाना खाया करो और बाहर का तला हुआ जंक फूड, ऑयली फूड, सॉल्टी फूड और मीठा खाना थोड़ा कम कर दो और जितना हो सके पानी पिया करो। एटलीस्ट इतना पानी तो पिया ही करो कि जिससे आपके यूरिन का कलर येलो ना हो, क्योंकि इन चीजों से आपकी स्किन अंदर से हेल्दी रहेगी और बाहर से ग्लो करेगी। एंड फाइनली 8वीं और आखिरी चीज जो आपको करनी है वो है कि जितना हो सके पसीना बहाओ, मतलब एक्सरसाइज किया करो, चाहे जिम जाओ, रनिंग करो, डांस करो, बट रोज पसीना बहाया करो, क्योंकि पसीना बहाने से हमारे स्किन में जितनी भी मैल जमी हुई होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और धीरे धीरे आपके फेस के अंदर की ग्लोइंग स्किन बाहर आने लगती है और एक्सरसाइज करने से आप साथ ही साथ फिट भी रहते हो। तो ये थे वो 8 टिप्स अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए और पर्सनली मैं खुद इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूँ अपने फेस के लिए। और यकीन मानो आपको अपने फेस पर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, बस इन 8 टिप्स को अच्छे से फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। और हाँ, फेस के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप काले या सांवले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर काले या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।